हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर से आज की इस क्लास में मैं क्लास 12 होम साइंस का बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में मैं आपको मॉडल पेपर के थ्रू जो भी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए गेस क्वेश्चन है वो कवर कराने वाला हूँ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास को जितने भी स्टूडेंट पूरा देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, और मैं आपको मॉडल सेट के थ्रू जितने भी क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करता हूँ ये सारा 2023 बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर ही बनाया गया है। जी हाँ, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना। जी हाँ, और आपके जितने फ्रेंड्स जितने भी जानने वाले हैं उनको पता नहीं है इस चैनल के बारे में तो आपको उनको इन्फॉर्म कर देना है, आपको लिंक को शेयर कर देना। जी हाँ, ताकि वो भी क्लास को करें और क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो यहाँ पे बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे, और अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको साथ साथ में अपना आंसर भी बताते चलना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, और आप किसी भी हाल में इस क्लास को मिस नहीं करना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेगा। चलिए, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? प्रश्नोत्तर अवधि है। जी हाँ, ये जो प्रश्नोत्तर अवधि है ये कब से कब तक है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्रसव से 45 दिनों तक ये कौन सी अवधि है? ये प्रश्नोत्तर अवधि है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग। यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? तो यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? जी हाँ, तो कौन से हार्मोन के स्राव के कारण? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग। यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 3 में? तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? जी हाँ, तो कितनी अवस्थाएं हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 4 अवस्थाएं हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग। यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? तो राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? जी हाँ, तो किसके साथ मिलाना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? जी हाँ, सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, माँ का दूध हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? तो राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। महिला प्रजनन तंत्र, जी हाँ, क्या करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? जी हाँ, तो कौन आता है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, और आप लोग स्पीड में आंसर दीजिए। जी हाँ, हम लोग स्पीड में जो ये मॉडल सेट 2 है कंप्लीट कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं? जी हाँ, तो क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निषेचन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला जा रहा है? नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? जी हाँ, तो कितने देर तक सोता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 16 से 18 घंटे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? एड्स कैसे फैलता है? जी हाँ, तो एड्स कैसे फैलता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, संक्रमित सुइयों से फैलता है। चलिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर देते चलेगा। जी हाँ, आपको स्पीड में आंसर बताने हैं, और आपको जी हाँ मैं 70 क्वेश्चन पूछूंगा, तो मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे 70 क्वेश्चन में 70 के राइट आंसर दे पाते हैं। चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? जी हाँ, निम्न में से कौन है? बिल्कुल आप सबको बताइए। जी हाँ, यानी यकृत, ये क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? जी हाँ, तो कौन सा रोग होता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, पीलिया रोग होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में? निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, आर्थिक अक्षमता हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, क्या है? संवेदात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, दो प्रकार के होते हैं। अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? जी हाँ, तो किस चीज़ का छिड़काव करना चाहिए? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, DTP का छिड़काव करना चाहिए। किसमें? कूड़ेदान में। अब क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? जी हाँ, तो कितने प्रकार की होती है? तो 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, दो प्रकार की होती है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? तो राइट आंसर बताइए आप लोग, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं? जी हाँ, तो प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कोलोस्ट्रम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोला जा रहा है?
शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जी हाँ, तो कौन सी अवस्था है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बाल्य अवस्था हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? तो राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा ऑप्शन। कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन सी है? जी हाँ, तो कौन सी है? तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला जा रहा है 20 में? शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त स्थाएं कौन सी है? जी हाँ, तो कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में? तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तेजक जिंदा दिल रोमांचक का प्रतीक है। जी हाँ, तो क्या प्रतीक है? जी हाँ, तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, लाल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला जाए 22 में? बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। जी हाँ, तो कब होती है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, माता पिता की अनुपस्थिति में। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 23 में? तो आप लोग राइट आंसर बताइए। जी हाँ, आपको सारे क्वेश्चन का साथ साथ में आंसर बताने चलना है। क्या है 23 में? ICDS का मुख्य लक्ष्य है। जी हाँ, तो मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, बच्चे वो महिलाएं। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला जा रहा है? ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? जी हाँ, तो क्या है यहाँ पे? तो 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला जाए 25 में? बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ, तो कौन सा रोग होता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रतौंधी रोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है? जी हाँ, तो कौन सा प्राकृतिक तंतु है? तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में? प्रोटीन निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है? जी हाँ, तो किसमें पाया जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दाल में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है? गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? जी हाँ, तो कौन सी तत्व की कमी हो जाती है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लौह तत्व की कमी हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला जाए 29 में? पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता है। जी हाँ, तो कौन सी आवश्यकता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्राथमिक आवश्यकता है। कौन? पोषण। अब क्वेश्चन नंबर 30 के राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। दूध सबसे अच्छा स्रोत है। जी हाँ, तो किस चीज़ का सबसे अच्छा स्रोत है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 में? तो राइट आंसर बताइए आप लोग, पारिवारिक जीवन चक्रों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? जी हाँ, तो कितने भागों में बांटा गया है किसको? पारिवारिक जीवन चक्रों को। तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, चार हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोला जा रहा है 33 में? एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। जी हाँ, तो किस पर निर्भर करती है? तो बिल्कुल 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो कौन यहाँ पे सही नहीं है? तो 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मलमूत्र पानी में अघुलनशील होता है, ये बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला जाए 35 में? नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। जी हाँ, तो क्या स्रोत है नगरों में पानी प्राप्त करने का? तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वाटर वर्क्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ, तो कौन से दिन को मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 19 नवंबर को मनाया जाता है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है 37 में? निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है? जी हाँ, तो कौन सा गैस है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। सिरका है। जी हाँ, तो सिरका एक कैसा पदार्थ है? 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अम्लीय पदार्थ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन 39 में? तो राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भोजन को छूने से पूर्व वो पश्चात हाथ धोने चाहिए। जी हाँ, तो किस चीज़ से धोने चाहिए? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, साबुन से धोने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में? तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 40 का। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? जी हाँ, कौन यहाँ पे खाद्य संरक्षण का लाभ है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा। मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है जी हाँ, तो कौन सी संस्था करती है यानी मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, भारतीय मानक ब्यूरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 में आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से किस वस्तु पर एक मार्क लगाया जाता है जी हाँ, तो कौन सी वस्तु है जिस पर एक मार्क लगाया जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, घी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा। आहार्य मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ जी हाँ, तो कौन सी ईस्वी में लागू हुआ था, तो 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, 1 जून 1955 ईस्वी में लागू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है। गुड़ के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जी हाँ, तो कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 में तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है जी हाँ, तो कौन सा प्रकार है, तो 45 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मौद्रिक आय हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है। मौद्रिक आय निम्न में से कौन है जी हाँ, तो निम्न में से कौन है मौद्रिक आय, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, तनख्वाह हो जाएगा जिसको हम लोग सैलरी भी बोलते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। क्वेश्चन 47 में वाटर वर्क्स में जल शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलने के बाद क्या अभिक्रिया होती है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है जी हाँ, तो किससे क्या अभिक्रिया होती है, यहाँ पे 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नेसेंट क्लोरीन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है। गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से जी हाँ क्या हो सकता है, तो यहाँ पे 48 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 में तो आप लोग राइट आंसर बताइए। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है जी हाँ, तो कौन सा प्रकार है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मौद्रिक आय हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं जी हाँ, तो उस चेक को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, उसको क्या बोलते हैं, कोरा चेक बोलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बचत का मतलब है जी हाँ, तो बचत का क्या मतलब है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, खर्च के बाद बची राशि हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है। बचत सुरक्षित नहीं करता है जी हाँ, तो क्या सुरक्षित नहीं करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, भूतकाल यानी पास्ट को ये सुरक्षित नहीं करता है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है। 53 में तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग। निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है, तो कौन सी योजना है जो डाकघर से संचालित होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है। किसान विकास पत्र खरीदते हैं जी हाँ, तो कहाँ से खरीदते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, डाकखाना से खरीदते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 55 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, तो कौन सा यहाँ पे प्राथमिक रंग है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, लाल। लाल क्या है, एक प्राथमिक रंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 में वस्त्र आवश्यक है जी हाँ, तो किसके लिए आवश्यक है, तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेंगे हम लोग क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन 57 में तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है जी हाँ, तो कौन सी सबसे अच्छी विधि है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, धूप तथा हवा द्वारा सुखाना। अब क्वेश्चन 58 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा। किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है जी हाँ, तो किस प्रकार के कपड़ों को किया जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सूती वस्त्रों को स्टार्च किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 59 देख लेंगे हम लोग क्या बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 59 में तो आप लोग राइट आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता होगा तो। क्या है 59 में, निम्न में से कौन वस्त्र पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है जी हाँ, तो कौन सी यहाँ पे धब्बों को चुराने की विधि नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, भौतिक विधि हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 60 में तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है जी हाँ, तो कौन सी गतिविधि है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, धब्बा छुराना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्न में से
उन्हीं तंतुओं की कौन सी विशेषता है, तो कौन सी विशेषता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिघाने गर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है 62 में, कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिघाने इनमें से सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, सूती वस्त्र की विशेषता है नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिघाने कठोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जाए 64 में, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, जी हाँ, तो किसकी अभिव्यक्ति है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, सिले सिलाए वस्त्रों की सरणियां होती है, जी हाँ, तो कितनी सरणियां होती है, तो 65 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, तीन सरणियां होती है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 66 में, तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है, कौन सा वानस्पतिक धब्बा नहीं है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, रसदार सब्जी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है, जी हाँ, तो कौन से मिश्रण से होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, वसा तथा छार से होता है। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, क्वेश्चन 68 में, तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है, तो कौन से वर्ग में आता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, वानस्पतिक धब्बे के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन नंबर 69 देख लेंगे हम लोग क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है, तो कौन सा एक क्षेत्र है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कमरों की सज्जा हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज के इस मॉडल सेट का है, क्या है क्वेश्चन नंबर 70 में, निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है, जी हाँ, कौन कला का तत्व नहीं है, तो 70 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, सुरक्षा क्या है, कला का तत्व नहीं है, जी हाँ। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैंने जो आपको 70 क्वेश्चन कराया, आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं, जी हाँ। और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया, आपको वहाँ पर हर हाल में जुड़ जाना है, जी हाँ, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती हैं सबका लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है, और जो नोट्स होते हैं PDFs होते हैं वो आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किए जाते हैं, और वहाँ से आप अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।